नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं देश दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज सर्दी बनी हुई है। दिल्ली में शनिवार को इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। मिनिमम टेम्परेचर गिरकर 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कोहरे की वजह से दिल्ली चलने वाली या वाहन पहुंचने वाली 18 ट्रेन 1-6 घंटे की देरी से चल रही है। इधर हरियाणा के हिसार में बालसमंद में न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नया समन भेजा है। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी का यह चौथा समन जारी हुआ है। इससे पहले उन्हें 3 जनवरी और पिछले साल नवंबर और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तीनों बार केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने नहीं हुए थे पेश। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज यानी 13 जनवरी को वर्चुअल बैठक हुई है। मीटिंग करीब 2 घंटे चली। इसमें सीटों के बंटवारे और गठबंधन के संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। बैठक का मकसद गठबंधन में स्वाहीनता की कमी नहीं होने देना है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित बड़े दिग्गज नेता हुए शामिल। नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य बनाया जाएगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। राम मंदिर आंदोलन में सबसे आगे रहे भाजपा के दिग्गज भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रधर्म पत्रिका के विशेष संस्करण में लिखे अपने लेख में यह बातें कही। लेख 16 जनवरी को होगा प्रकाशित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर फिर किया हमला। इसके बाद जवानों को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। अभी तक किसी के घायल होने या मौत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल गोलीबारी जारी है। इलाके को खाली करवा के सेना चला रही सर्च ऑपरेशन। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि दूसरी तरफ कितने आतंकी छिपे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की तैयारी में सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रधानगी में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार लेके आ सकती है नया संशोधन। उम्र 3 साल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों और अधिनियम में संशोधन की दी सहमति। कांग्रेस की न्याय यात्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल की जगह अब 24 किलोमीटर दूर थौबोल में शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार की शर्तों की वजह से ये बदलाव किया है। राज्य सरकार ने यात्रा में 1000 लोगों के शामिल होने की परमिशन दी थी। कांग्रेस ने इन शर्तों की वजह से जगह में किया बड़ा बदलाव। हरियाणा में कड़ाके की ठंड का सितम रहा जारी। सूबे में रात रेवाड़ी में सबसे ठंडी रही। यहां न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि महेंद्रगढ़ में 2.5 और गुरुग्राम में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि शनिवार की सुबह कोहरे से कुछ राहत मिली। शहरी क्षेत्र के बाहर सड़कों पर सुबह के समय ही हल्का कोहरा नजर आया। पंजाब के तरनतारन में धुंध के कारण हुआ बड़ा सड़क हादसा। सड़क किनारे खुले ट्राले में कार घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, जबकि एक गंभीर रूप में जख्मी। पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंपी जाएंगी लाशें। हरियाणा में खट्टर सरकार अन्य राज्यों की तरह राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को छुट्टी करने की तैयारी में है। इस दिन ड्राई डे रखा जाएगा, यानी शराब की दुकानें पूरे दिन के लिए बंद रहेंगी। 22 जनवरी की छुट्टी के लिए विश्व हिंदू परिषद VHP के साथ अन्य हिंदू संगठनों ने सरकार को चिट्ठी भेजी है। देश के कई भाजपा शासित राज्यों में पहले ही ड्राई डे और छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें सच कहूं हिंदी चैनल।